भाई लोगों टाटा महिंद्रा के बीच में डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि भाई मारुति सुजुकी ने अपने नई स्विफ्ट डिजायर के साथ 5 स्टार स्कोर कर लिए हैं। आप बोल ना मैडम। भाई मारुति की गाड़ियों की सिर्फ एक ही नेगेटिव लगते थे, जो थी उनकी सेफ्टी, और अब लगता है भाई वो भी खत्म होने वाली है। भाई डिजायर ने 5 स्टार स्कोर कर लिए। जहाँ पे भाई डिजायर ने एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 31.24 पॉइंट्स स्कोर करे आउट ऑफ 34, वहीं पे चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 39.2 स्कोर कराए आउट ऑफ 49। मतलब भाई डिजायर जैसी कार भी अब सेफ कार हो गई। अब आप उसको नहीं बोल सकते कि भाई एक टक्कर में स्विफ्ट बन जाएगी। मतलब भाई ये जोक पुराना हो गया भाई, ये 2024 भाई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जा रहा है। तो भाई इस ईयर में मारुति सुजुकी 5 स्टार लेके आ गई भाई सेफ्टी में, ये भाई अनबिलीवेबल हो गया बिल्कुल ही। तो भाई ये जो मारुति की डिजायर है, ये पहली कार बन गई है 5 स्टार सेफ्टी के साथ आने वाली, जिसने इंडिया के अंदर 5 स्टार स्कोर करे हो सेफ्टी में। और चलो बात करते हैं जीएन कैप ने क्या क्या बोला है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि मारुति डिजायर ने कैसे स्कोर करा और क्या क्या मिलता था जो गाड़ी को उन्होंने क्रैश करके टेस्ट कराया। तो भाई ये जो मारुति डिजायर को जीएन कैप वालों ने टेस्ट कराया, वो गाड़ी बिल्कुल बेसिक वर्जन थी इस गाड़ी का, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक सेफ्टी फीचर्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सब स्टैंडर्ड थी, कुछ भी ज्यादा फीचर नहीं थे सेफ्टी के, और उसके अंदर 6 एयरबैग्स थे। मतलब भाई डिजायर के सबसे लोअर वेरियंट को टेस्ट करा गया क्रैश टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर सबसे कम सेफ्टी फीचर्स आते हैं, और उसने भी भाई 5 स्टार स्कोर कर लिए। और भाई इस गाड़ी का वेट क्रैश टेस्ट के टाइम 1153 किलो था। मतलब भाई मारुति की गाड़ी अब 800 केजी से 1200 केजी तक वेट कर रही है। मतलब भाई मारुति काफ इम्प्रूव कर रही है। बट भाई मैं तो सोच रहा हूँ टाटा और महिंद्रा का इस टाइम क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि भाई जो मारुति थी वो सिर्फ सेफ्टी के मामले में खराब थी, बाकी उनकी सर्विस, रिलायबिलिटी, आफ्टर सेल वैल्यू, मतलब सब कुछ एकदम तगड़ी थी। अब होगा ना भाई इंडियन मार्केट में तगड़ा कंपटीशन, अब आएंगे ना भाई मजे। भाई लोगों मैंने भी पता, मैं भी मारुति की गाड़ी लेना चाहता था, बट मैंने भी इसलिए नहीं ली क्योंकि भाई मारुति की गाड़ी सेफ नहीं थी, और इसलिए मेरे को भाई पंच की तरफ जाना पड़ा था। अब तो भाई मारुति में भी 5 स्टार गाड़ी आ गई, अब होगा भाई तगड़ा कंपटीशन। और भाई फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है जैसे मारुति ने अपनी सेफ्टी को इम्प्रूव करा है, क्योंकि भाई बाकी सेगमेंट की कारें काफ़ी सेफ आ रही थी और इंडियन सेफ्टी की तरफ जाने लगे थे। अब हो सकता है कि भाई ऐसी मजबूरी टाटा और महिंद्रा के पास भी आ जाए। महिंद्रा के तो फिर भी इतनी दिक्कत नहीं है जितनी टाटा को है, तो हो सकता है भाई टाटा अपने इंजन्स को और इम्प्रूव कर दे और अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज को भी और इम्प्रूव कर दे। मतलब भाई ऐसे हेल्दी कंपटीशन की वजह से कस्टमर के तो मजे ही मजे। और अब चलो बात करते हैं कि सेफ्टी में इस गाड़ी ने कैसे परफॉर्म करा और कहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ्टी मिलती है इस गाड़ी के अंदर और कहाँ पे सबसे कम सेफ्टी मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो फ्रंटल कोलिजन टेस्ट होता है, उसके अंदर भाई हेड और नेक पे तो काफी बढ़िया सेफ्टी दे रही है, बस जो भाई ड्राइवर की चेस्ट है उस पर मार्जिनल प्रोटेक्शन है, और वहीं पे जो पैसेंजर की चेस्ट है उस पर एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिल रही है, और जो ड्राइवर और पैसेंजर की नीज है उसके ऊपर भी काफी बढ़िया प्रोटेक्शन मिल रही है, बाकी ड्राइवर और को ड्राइवर के पैरों पे एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिलती है। और अब देखें साइड इंपैक्ट टेस्ट की, जहाँ पे साइड से गाड़ी टकरा जाती है उसमें कैसी प्रोटेक्शन देती है गाड़ी, तो भाई उसमें इसको पूरा हरा झंडा मिल रखा है। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आपको काफी तगड़ी प्रोटेक्शन देगी, मतलब जीएन कैप के हिसाब से आपको काफी अच्छी प्रोटेक्शन देगी ऊपर से लेके नीचे तक। और जब ये गाड़ी किसी पोल से टकरा जाएगी तो आपके वेस्ट एरिया पे और आपके हेड एरिया पे तो काफी बढ़िया प्रोटेक्शन मिल रही है, मतलब गुड लेवल की है, और चेस्ट लेवल पे मार्जिनल प्रोटेक्शन मिलता है अगर आपकी गाड़ी पोल से टकरा जाती है, तो उस सिनेरियो के अंदर आपको एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिलती है आपकी चेस्ट पे। बाकी अब देखें चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर, तो भाई उसके अंदर भी इस गाड़ी को 4 स्टार मिले, और जो इस गाड़ी के पॉइंट कटे वो पता है किस चीज के लिए कटे हैं, इसको नहीं तो उसमें भी शायद 5 स्टार मिल जाते। बट भाई जो चाइल्ड सीट्स होती हैं उसको अगर आप फ्रंट में लगाओगे, उसको आगे पीछे करके लगा सकते हो, बट वहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं मिलती इस गाड़ी के अंदर, वो है कि भाई आप आगे के एयरबैग्स को डिसेबल नहीं कर सकते, वहाँ पे भाई इसके मेजर पॉइंट कट गए चाइल्ड ऑक्यूपेंसी सेफ्टी के अंदर। ये तो भाई हो सकता था ये चाइल्ड ऑक्यूपेंसी के अंदर भी 5 स्टार स्कोर कर लेती। बाकी भाई जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है मारुति की गाड़ियों के साथ कि भाई उनका बॉडी सेल अनस्टेबल रहता है, स्टेबल नहीं रहता, इस बार भाई मारुति डिजायर का बॉडी सेल स्टेबल है। मतलब भाई जो जो कमी थी ना मारुति ने सारी पूरी कर दी, और इस गाड़ी को काफ़ी तगड़ा लॉन्च करा है भाई। अब देखते हैं भाई क्या कंपटीशन होने वाला है भाई इंडियन मार्केट के अंदर, काफ़ी मजा आएगा देखने में। और आप और इस कंपटीशन का सबसे ज़्यादा फायदा होगा भाई आप और मेरे जैसे कस्टमर्स को। बाकी अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना।